करता हूँ तो मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम पबजी गेम के जरिए उनको जहनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया। कैसे बच्चों को जहनी मरीज बनाया गया उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे हो गए। क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी। आर्मी? आर्मी में जाएंगे तो भारत की आर्मी, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे साथ रहे जी। पूरे मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है। रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लफ जिहाद नहीं हुआ? नहीं चाहिए बिल्कुल, हिट हो जाएगी। नहीं मालूम तीन बच्चों के साथ। अच्छा वो अब वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके तीन बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गए। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। पाकिस्तानी सीमा हैदर की ओर लव स्टोरी सचिन ही नहीं बल्कि गुलाम से भी किया था प्यार। जी दोस्तों आपको बता दें सीमा हैदर इन दिनों सोशल मीडिया और भारत की तमाम सारी मीडिया, भारत पाकिस्तान की मीडिया और इतने सारे न्यूज चैनल्स इस न्यूज़ को लगातार कवर कर रहे हैं। ऐसे में अब सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है जो आपने अब तक नहीं जानी होगी। तो दोस्तों इन दिनों देश में हर जगह सीमा सचिन की लव स्टोरी के चर्चे हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के साथ जिंदगी बिताने की चाह रखी है। वहीं दूसरी तरफ जो कि गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तान से इंडिया जो कि अब सीमा को लेने आएंगे, ऐसी ही तमाम सारी खबरें आ रही है। तो क्या अब जो सीमा हैदर का रियल हस्बैंड है गुलाम हैदर, क्या वो सचमुच भारत आ गया है? और अगर नहीं आया है तो वह कब तक आएगा? और आखिर वह सीमा को क्या सीमा पार ले जाएगा या फिर नहीं? क्या है पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं विस्तार से। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको बता दें दोस्तों कि काफी लंबे अरसे से सीमा और सचिन की प्रेम कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ चल रही है। वही आपको बता दें हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के साथ जिंदगी बिताने की चारों बच्चों समेत भारत आ गई और इसके लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 13 मई को वह भारत पहुंची थी, तभी से सचिन के साथ नोएडा में रह रही थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल कोर्ट से जमानत पर रिहा भी है। यह बात उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को लगी तो वह वीडियो के जरिए अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाने लगा। सीमा मीडिया के सामने बेशक यह कहती नजर आई कि उसकी शादी जबरदस्ती गुलाम से कराई गई, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। जानते हैं कि सीमा की जिंदगी का वो सच क्या है जो आपसे अब तक अनभिज्ञ था। सीमा हैदर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली थी। परिवार बेहद गरीब था, मां की मौत पहले ही हो चुकी थी। घर में बस सीमा के पिता, एक भाई और एक बहन थी। साल 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रोंग कॉल आया, यह कॉल था गुलाम हैदर का। इस रोंग कॉल के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और इस दौरान जो की दोस्ती फिर प्यार में बदल गई और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए 2014 में ही सीमा घर से भागकर गुलाम के पास चली गई। गुलाम सिंध प्रांत के ही जकोकाबाद के रहने वाला था। यह उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली। इसके अलावा गांव का जो कि उसने दोनों गुलाम लेकिन इलाका गांव का था, दोनों ही बलोच समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है तो इस पर पंचायत रखी गई। वहां फैसला लिया गया कि लड़की भागकर लाना एक गुनाह है, इसलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। फिर 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की, वह कराची शहर में रहना चाहती है। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची जाकर एक किराए के मकान पर रहने लगे। अब सीमा के घर वालों को भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। इस बीच सीमा के पिता की मौत हो गई, बहन की शादी हो गई और भाई की पाकिस्तान सेना में नौकरी लग गई। इस दौरान सीमा और गुलाम को बच्चे भी हो गए, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहे। तभी साल 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। सीमा कराची में तब बच्चों के साथ ही रहने लगी। गुलाम जो कि हर महीने उससे पैसे भिजवा देता था, उन्हीं पैसों से सीमा ने कराची में एक घर खरीदा, लेकिन वो
उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के ही घर में रह रही थी। ऐसे में ही समय बीतता गया। गुलाम इस बीच एक बार भी घर नहीं आया, बस फोन पर ही सीमा से बात करता था। लेकिन मई 2023 में जब उसकी बात सीमा से नहीं हो पाई तो उसे टेंशन हो गई। बीते 3-4 दिनों से सीमा उसका फोन नहीं उठा रही थी। गुलाम ने फिर अपने पिता आमिर खान से कहा कि वो एक बार कराची जाकर सीमा का पता लगाए वो ठीक भी है या और फोन क्यों नहीं उठा रही। आमिर खान सीमा के घर पहुंचा तो वहां नहीं थी। उन्होंने पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वो अपने मायके गई, लेकिन पता चला कि वो मायके में भी नहीं थी। आमिर ने यह बात अपने बेटे गुलाम को बताई। फिर गुलाम ने पिता से कहा कि वो थाने में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। वो थाने पहुंचे और एक शिकायत पत्र पुलिस को दिया। इसमें उन्होंने पूरी बात लिखी और यह भी कहा फिलहाल आप उसमें FIR दर्ज न करें, हम अपने पहले अब जो कि पहले अपने हिसाब से सीमा का पता लगाएंगे, फिर भी वो नहीं मिली तो हम खुद थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। तभी उन्हें भारत की मीडिया के जरिए पता चला कि सीमा भारत में भागकर आ गई है। वह 13 मई से भारत में है और चारों बच्चे भी उसके साथ है। बता दें इस पूरे मामले पर सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती गुलाम के साथ करवाई। गुलाम उसके साथ मारपीट करता था और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंक देता था। वह गुलाम के साथ नहीं बल्कि सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है। खैर इन बातों की कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद साफ ही हो जाएगा। वहीं उधर भारत में यूपी पुलिस ने इस तरह पाकिस्तानी से भागकर आई सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया। उसके प्रेमी सचिन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद फिलहाल कोर्ट में दोनों जमानत पर रिहा कर दिए गए। लेकिन अभी भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। सीमा अब यह भारत में रहना चाहती है तो वह उसका पहला शोहर चाहता है कि वह वापस लौट आए। सीमा का कहना है कि वह पहले पत्नी गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना चाहती बल्कि सचिन के साथ ही उसकी पत्नी बनकर ताउम्र रहना चाहती है। वहीं सीमा ने बताया है कि हालांकि उन्होंने नेपाल के मंदिर में हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली, फिर भी वह अब यहां सचिन के साथ कोर्ट मैरिज करेगी। उसके यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उसे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गई तो उसे वहां मार डाला जाएगा। अब वह हमेशा के लिए सचिन के साथ ही रहना चाहती है, वह भारत में ही मरना पसंद करेगी। वहीं गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी को गुहार लगा दी। वहीं दूसरी तरफ जो कि सीमा के पति गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। जबकि सीमा का कहना है कि गुलाम से वह 4 साल अलग रह रही है। शादी के बाद से ही वह उसके साथ मारपीट करता था। कई बार उसने उसके चेहरे पर मिर्ची पाउडर तक फेंक डाला और वह उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बहरहाल देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या भारत सरकार उसे वापस पाकिस्तान भेजेगी या यही भारत में रहने की इजाजत दे देगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।